मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हटा दें। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया, मणिपुर को आपने जला दिया है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर के लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट नीट नीट, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है, वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर अलाउड, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता।